एक और इसी से मुतालिक ही एक तहकीक आला हजरत ने बयान की। बाद हजरात थे जो ये कहते थे कि जनाब ये जो सूरज है ये 10 लाख जमीनों के बराबर है, सूरज 10 लाख जमीनों के बराबर। दूसरे एक साहब उठे, यानी एक दूसरा कौल है साइंसदानों का, उन्होंने कहा कि नहीं 12,35,030 जमीनों के बराबर है। पहला 10 लाख, दूसरा है 12,35,030 जमीनों के बराबर। इसके बाद एक और कौल था वो ये कि 14,10,000 जमीनों के बराबर है। अब बंदा किस पे अमल करे? अब ये एक ऐसी चीज थी कि जिसको जांचा जा सकता था, जिसका हिसाब किया जा सकता था। अब इमाम का कलम उठता है, रजवी कलम में जोश आता है, हरकत पैदा होती है, कलम किल के रजा मुतहर्रिक होता है। तो अब आप क्या कहते हैं, आपने पूरी कैलकुलेशन की, वो आपके सामने नहीं रखूंगा, वो सारी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद जो आपने नतीजा निकाला वो ये फरमाया कि हक ये है, तहकीक ये है कि जो जमीन है वो, जो सूरज है वो जमीन से 13,13,256 जमीनों के बराबर है। ये तहकीक है, दलाइल कायम किए, बगैर दलाइल के नहीं कि मैं ये कहता हूं, नहीं दलील कायम की।